नमस्कार दोस्तों दोस्तों टेक्नो सॉल्यूशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास एक गियर मोटर है जो कि 24 वोल्ट से ऑपरेट होती है, और दोस्तों इसमें कई बार कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मोटर चलती है तो ये आवाज़ करती है, या कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ आती है और जो ये पुली है दोस्तों ये घूमती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि इस गियर मोटर को किस तरह से हम रिपेयर करें और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों ये 24 वोल्ट्स को हम देखे देखते हैं, इसको हमने 24 वोल्ट देते हैं। ये देखिए दोस्तों एक साउंड आ रही होगी आपको, सिर्फ साउंड आ रही है और कोई भी जो ये मोटर है इस चलने आवाज़ आ रही है, लेकिन ये घूम नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको रिपेयर करते हैं, इसके कनेक्शन लगा देते हैं पहले तो। ठीक है, एक बार इसको खोल लेते हैं। इस सारे इसके जो पेच है इसको खोल लेते हैं हम। छह पेच है दोस्तों उसको, तो उसको थोड़ा खोलने में टाइम लगेगा। इसको खोल लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आजकल जितनी भी कॉफ़ी मशीन आ रही है दोस्तों, सारी की सारी 24 वोल्ट की आ रही है। पहले कुछ साल पहले तक कुछ मशीनों में 12 वोल्ट की भी गियर मोटर आती थी, लेकिन अब सभी कन्वर्ट 24 वोल्ट में हो गए। तो जितनी भी कॉफ़ी मशीन्स है उनमें 24 वोल्ट की गियर मोटर लगते हैं। और ये दोस्तों ये गियर मोटर है, गोदरेज कॉफ़ी मशीन है, वेंडिंग मशीन, उसकी ये गियर मोटर है। चलिए इसको खोल लिया हमने, ये देखिए दोस्तों इसको खोल लिया। यहाँ पे गैप होता है दोस्तों, ये देखिए गैप होता है, इस गैप से इसको खोलना होता है। चलिए इस एक टूल्स ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये गियर मोटर है, अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है और ये ऐसी आवाज़ क्यों कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों एक तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो मोटर है, गियर मोटर है, उसकी ये गियर है, ये घूमती है, उसके घूमने के बाद इसको घुमाता है और बीच में एक और लगता है। उन तीनों के कॉम्बिनेशन से पूरी हमारी मोटर घूमती है। हमारी मोटर सही है, आवाज़ मतलब इसमें डीसी सप्लाई मिल रही है तो मोटर तो काम कर रही है, तो प्रॉब्लम उसमें भी दूसरी है। चलिए सबसे पहले तो हम देख दोस्तों ये है, ये रॉड है, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस रॉड को पहले दोस्तों इसमें सेट कर लीजिए। इसमें एक होल होता है इसके अंदर, अगर आपने जैसे कई बार क्या होता है दोस्तों कि मोटर हमारी ख़राब होती है सिर्फ, तो इसमें ना दो होल हैं यहाँ पे, ये दो होल दो यहाँ पे पेच हैं, इन पेच से आराम से ये मोटर बाहर निकल जाती है। कई बार ये ख़राब हो जाती है तो इनको खोलकर आराम से हम दोनों दोनों को पेचो इनको निकाल कर आराम से हम मोटर को चेंज कर सकते हैं। चलिए इस केस में तो हमारी मोटर ठीक है तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसको लगा लेते हैं पहले तो। ठीक है दोस्तों, ये रॉड लगा लीजिए पहले, इसको कर लीजिएगा और उसके बाद दोस्तों इसको लगा लीजिएगा। ये आपका ऐसे जाएगा, थोड़ा इसको देखिए दोस्तों, ये इस तरह फिट होगा। ठीक है, ये इस तरह फिट होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है इसकी, ये आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी से आता है। तो आपने क्या करना है, पहले ये रोड निकाल देनी है, इस रोड को आपने इधर लगा देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो तीसरा है जो आपने निकाला है बाहर, इसको लगाना है आपने। ठीक है दोस्तों, तो जो आपने ध्यान देना है, इधर जो इसके खांचे बने हुए हैं ये नीचे की तरफ होने चाहिए ताकि ये इसको घुमा सके। ठीक है दोस्तों, ये इसको घुमाएगा और इससे ये घूमेगा, उससे ये घूमेगा। चलिए एक बार इसको लगा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये इसमें अटैच हो गया है नीचे वाला जो पार्ट है, और जब ये घूमेगा इससे तो ये भी इससे घूमेगा। ठीक है, जो रोटेशन है इस तरह रहेगा।
ठीक है दोस्तों, इस तरह ये फिट हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस तरह ये फिट हो गया है। इसका पहले रोड का एक बार वो देख लीजिएगा, रोड कैसे लगती है। चलिए एक बार दोबारा सेट कर लेते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ये रोड शॉर्ट सेट, ये रोड लग गया इसका। अब इसको दोबारा लगा लीजिए। देखिए दोस्तों, ये इसकी पोजीशन होगी। ठीक है, इस तरह से पोजीशन में आएगा। आपकी मोटर है, मोटर पहले ये इसको घुमाएगी, जो उसकी पुली है इस, ये पुली इससे अटैच है, ये घूमेगा। और जो नीचे वाली जो पुली है दोस्तों, वो नीचे वाले से अटैच है, तो साथ में हमारी ये जो शाफ्ट है ये भी घूमेगी। ठीक है दोस्तों, अब आता है मेन सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर यहाँ से आपके कनेक्शन लूज होंगे, इधर से आपके कनेक्शन लूज होंगे ना, तो भी हमारी मोटर काम नहीं करेगी। तो अपने ध्यान रखना है कि ये दोनों जो रॉड हैं, दोनों इन होल में अच्छी तरह फिट हो जाए। अगर यहाँ से अगर स्लिप कर जाएगा तो भी ये आपका काम नहीं करेगी मोटर। तो अपने प्रॉपर सबसे बड़ी बात है कि इसी को देखना है कि ये बिल्कुल भी हिले ना। चलिए इसको लगा लेते हैं एक बार। दोस्तों इसको ध्यान से देखना है कहाँ पे फिट होगा। दोस्तों ये लग गया। ठीक है, एक बार उसको घुमा, अब उसको कस देते हैं एक बार, फिर देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों उस पर ग्रीस लगी रहती है, तो उसको देख लीजिएगा आप, उसको साफ करते रहिएगा, चारों तरफ फैला लीजिएगा। चलिए इसके बाद सारे इसके पेच इसको कस देते हैं एक बार। टाइट रखिए उसको बिल्कुल भी, उसको बिल्कुल लूज नहीं रखना आपने। लूज रखेंगे तो जो उसके रॉड थी वो स्लिप हो जाएगी और फिर दोबारा आपकी ये काम नहीं करेगी। दोस्तों अभी पता ही नहीं है मोटर काम करती नहीं करती, फिलहाल हमने इसको लगा लिया है। और सारे पेच लगाने के बाद फिर देखेंगे, चेक करेंगे कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। दोस्तों इसमें जो मोटर्स होते हैं ना, इसमें कई बार ये मोटर शॉर्ट भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये शॉर्ट हो जाती है दोस्तों, जैसे कि गोदरेज की मशीन में एक जगह ही मोटर शॉर्ट हो गई, शॉर्ट होती है दोस्तों, इसने क्या किया कि जो ड्राइवर पीसीबी है उसको सीधा उड़ा दिया उसने, जो उसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ था उस ट्रांजिस्टर को उसने सीधा ही उड़ा दिया। तो आपने ध्यान रखना कि इसको इसको कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको दोस्तों टाइम, अगर लग रहा है कि ये मोटर कम घूम रही है या आवाज़ कर रही है, तो दोस्तों उसको रिपेयर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आपकी जो पीसीबी है पीसीबी को भी डैमेज कर देगी। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर कैपेसिटर एक पीएफ लगा रहता है, होता है ये कैपेसिटर ही है लेकिन पीएफ होता है, और एक साथ में एक डायोड भी लगा रहता है। तो कई बार क्या है, वो दोनों जो हमारी मेन सप्लाई है, मतलब जहाँ पे इसको सप्लाई मिल रही होती है मोटर को, उन दोनों के दोनों से पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो कई बार क्या होता है कि वो भी शॉर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो हमारी पीसीबी है वो ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों पहले इसको हमने कस लिया अच्छी तरह से। ठीक है, इसको कस लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता रहा था ना, ये देखिए ये हमारा पीएफ होता है कई, और ये दोनों क्या है सीरीज में लगे, इसके पैरेलल में लगे रहते हैं, तो ये कई बार शॉर्ट होने की वजह से इसको जो डीसी है डीसी को भी शॉर्ट कर देते हैं और हमारा कार्ड उड़ जाता है। इसी तरह यहाँ पे एक इसमें नहीं लगा हुआ लेकिन एक डायोड भी लगा रहता है, तो वो भी शॉर्ट हो जाते हैं। चलो एक बार उसको चला कर देखते हैं, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मोटर हर बार ख़राब नहीं होती, छोटी मोटी इसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसको आप आसानी से इस तरह से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए मैं इस तरह के वीडियो ले लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और दोस्तों मेरा जो चैनल है उसको अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।